Now, previous case में discuss किया था only single function implementing as a addition. But in that case, we want to discussing all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication or division. मैं सभी operations के लिए separate user defined functions create करें. इस case में इस program को two steps में add करेंगे. सबसे पहले सारे के सारे required functions create करेंगे. After creating required functions, then we are testing using main functions like that. First of all, we want to discussing or providing all function declarations. फंक्शन डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग बात करें टोटल फोर ऑपरेशंस परफॉर्म कराना. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था किसी भी फंक्शंस को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए. अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द नेम ऑफ दिस फंक्शन और शुड बी द नेम ऑफ फंक्शन. हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट फंक्शंस और विच टाइप ऑफ रिजल्ट रिटर्न बाई दैट फंक्शंस आउटपुट. सभी केस में आपको ऑपरेशन कितने नंबर्स के लिए परफॉर्म कराना. ओनली फॉर टू नंबर्स. एडिशन भी टू नंबर्स के लिए कराना, मल्टीप्लीकेशन भी टू नंबर्स के लिए, डिवीजन है subtractions. First of all, we are providing function declaration. Declarations के according क्या होना चाहिए, return type, function name, function argument list. या declaration style provide करना compulsory. By default, declaration style follow होगा as a C declarations. First of all, सभी functions के case में चाहे addition perform कर रहा है, subtraction, multiplication और division, सारे के सारे operations perform किसके लिए हो रहे हैं, two integers के लिए. Two integers, इसलिए इनका result भी किस form में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में. कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जब इंटीजर्स के लिए अप्लाई करो तो रिजल्ट भी किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में. अगर आपको फ्लोट और डबल के फॉर्म में परफॉर्म कराना है तो डेटा टाइप के यूज करेंगे जैसे फ्लोट और मे बी डबल. फंक्शन नेम राइट डाउन करें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन. फर्स्ट वन डिक्लेरेशन फॉर एडिशन, रिटर्न टाइप एज इंटीजर सेम एज प्रीवियस केस, फंक्शन नेम एज एड, आर्गुमेंट लिस्ट इंट कॉमा इंट. सेम एज डिक्लेरेशन फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर सब्ट्रैक्शन इंट इंट. जनरली इस केस में डिक्लेरेशन सेपरेटली प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं, लेकिन ये बेस्ट वे होगा आपके लिए, गो थ्रू डिक्लेरेशंस. इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, अगेन मल्टीप्लीकेशन में कितने नंबर्स के लिए परफॉर्म कराना, टू नंबर्स, दैट्स व्हाई वी आर सप्लाइंग इंट कॉमा इंट. फाइनली इंटीजर डिवीजन, इंट कॉमा इंट. टोटल ऑपरेशंस कितने हैं, फोर ऑपरेशंस. देन फाइनली ऑपरेशंस के लिए प्रोवाइड करेंगे लॉजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंप्लीमेंटिंग फंक्शन नेम एज एडिशन, इंटीजर वी आर प्रोवाइडिंग हियर फंक्शन डेफिनेशन, इंटीजर फंक्शन नेम एज एड, इंट एक्स कॉमा इंट वाई. एडिशन फंक्शन से परफॉर्म क्या कराना, एडिशन ऑफ एक्स प्लस वाई. प्रीवियस केस में, प्रीवियस एग्जांपल मैंने सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया था कॉल्ड एज रिजल्ट फॉर स्टोरिंग रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन लाइक द रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई देन रिटर्निंग रिटर्न रिजल्ट. इस केस में रिजल्ट के प्लेस पर डायरेक्टली क्या राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स प्लस y. अगर x प्लस वाई डायरेक्टली राइट डाउन कर देना, इस केस में सेपरेटली रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट करने नीड नहीं, मीन्स डायरेक्टली राइट करें इस केस में रिटर्न x प्लस वाई. मीन्स रन टाइम पर सबसे पहले कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न हो जाएगा. सिमिलरली अदर फंक्शंस, इंटीजर सब कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन, अगेन इंट एक्स कॉमा इन टू वाई. इन सभी केसेस में ऑपरेशंस कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम, ओनली चेंज क्या होगा, ऑपरेटर अगेन रिटर्न एक्स माइनस वाई. सब्ट्रैक्शन के केस में यूज क्या करेंगे, एक्स माइनस ऑपरेटर. सेम एज इंटीजर मल्टीप्लीकेशन. वन मोर थिंग्स, अगर आप थ्री नंबर्स के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, फंक्शंस के केस में इनपुट्स कितने सप्लाई करें, थ्री इनपुट्स. फोर नंबर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन इनपुट कितने पास करोगे, फोर इनपुट्स. अगेन इंटीजर एक्स कॉमा इंट वाई. इसे इस एग्जाम्पल में फाइनली डिस्क्राइब क्या करना है, मैंने इंटरेस्टिंग केस क्या रहेगा, पैटर्न प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग व्हाइल लूप और स्विच केस. रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. अब माय लास्ट ऑपरेशन इज डिवीजन, इंटीजर डिवीजन इंट एक्स कॉमा इंट वाई. फाइनली रिटर्निंग एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स डिवाइडेड बाई वाई, मीन्स सारे के सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस क्रिएट करने के बाद देन फाइनली डिस्क्राइब क्या करेंगे, मेन फंक्शंस। नेक्स्ट में वी वांट टू सेम प्रोग्राम के अंदर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इस केस में मेन फंक्शन वाइड मैन, मैन के अंदर सब कुछ परफॉर्म किस फॉर्म में करा इन द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट लूप। सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैन के अंदर टोटली वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे, मैन के अंदर रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इस अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनली सभी फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, टू इनपुट्स। तो टू इनपुट किसी भी फंक्शन के लिए टू इनपुट सप्लाई करने के लिए प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन लाइक इंट एक्स कॉमा वाई फॉर इनपुट पर्पज। नेक्स्ट वन, किसी भी फंक्शन को कॉल करने के बाद रिटर्न क्या हुआ, रिजल्ट। रिजल्ट सभी केस में इंटीजर टाइप का ही रिटर्न हो रहा है, इसलिए ओनली सिंगल रिजल्ट वेरिएबल रिक्वायर्ड है। सपोज दैट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू रिटर्न हो रहे हैं तो उस केस में रिजल्ट वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, मल्टीपल। इन दैट केस वी आर क्रिएटिंग ओनली सिंगल रिजल्ट वेरिएबल। नेक्स्ट थिंग्स, इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या केस रहेगा, मीन्स जब स्विच केस इंप्लीमेंट करें तो स्विच के केस में कौन सा केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। केस को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड है चॉइस वेरिएबल है सी एच। दिस इज रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप मीन्स कंडीशन नेवर बिकम्स ट्रू, नेवर बिकम्स फॉल्स वाइल वन। मीन्स कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर सप्लाई करना पॉसिबल है एक्सेप्टिंग जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर पास करोगे इसका मीनिंग क्या रहेगा, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट वन, एवरी टाइम मुझे स्क्रीन अगर क्लियर कराना देन इनिशियली पुट क्या करेंगे, सी एल आर एस सी आर। दिस इज ऑप्शनल ऑपरेशन नॉट अ कंपल्सरी। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस डिस्प्ले कराएंगे पुट्स। मैं प्रिंट एप के प्लेस पर ऑलवेज यूज क्या करता हूँ, पुट्स फंक्शन। पुट्स प्रेस वन टू परफॉर्म एडिशन, पुट्स प्रेस टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। आप कोई भी मैसेज यूज कर सकते हो इस प्लेस पर, नॉट ओनली एड और सब। पुट्स थ्री टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, फाइनली पुट्स फोर टू परफॉर्म डिवीजन, लाइक दैट। फाइनली एंटर योर चॉइस, पुट्स एंटर योर चॉइस। चॉइस मीन्स पॉसिबल चॉइस क्या है, वन टू थ्री फोर, वन मोर चॉइस। सपोज दैट अगर आपको इस लूप को टर्मिनेट कराना है, लूप को टर्मिनेट कराने के लिए एक सेपरेट केस इंप्लीमेंट करें एज अ एग्जिट फंक्शन, इसलिए इस केस में एक्स्ट्रा चॉइस क्या प्रोवाइड करें, प्रेस फाइव टू एग्जिट, लाइक दैट। देन फाइनली पुट्स एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर कराएंगे प्लस चॉइस को रीड किसके थ्रू करेंगे, यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। चॉइस वेरिएबल ऑलरेडी इंटीरियर टाइप का वेरिएबल यूज किया है एज अ सी एच, तो इस केस में वैल्यू किसके लिए रीड करेंगे, सी एच के लिए, एम परसेंट सी एच। चॉइस रीड करने के बाद जस्ट यूज क्या करेंगे, व्हाइल। वन मोर थिंग्स, आप एडिशन परफॉर्म कराओ या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराओ या डिवीजन, सभी केस में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। वन मोर थिंग क्लियर है, अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा दो इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ऑलवेज एट लीस्ट टू इनपुट्स। इस केस में डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्विच केस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, स्विच सप्लाई किया सी एच। स्विच के केस में सबसे पहले इंप्लीमेंट कराएंगे केस वन, केस वन के अंदर लॉजिक किसके लिए प्रोवाइड करना, टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। सपोज अगर यूजर ने सी एच का वैल्यू वन प्रेस किया, देन केस वन में से वो केस वन के करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना चाहिए, एडिशन। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एडिशन फंक्शन दैट प्लेस। मीन्स अगर कहीं भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड है तो यूज क्या करेंगे, दैट फंक्शंस। हो सकता है आपके माइंड में क्या चल रहा हो,
अगर एडिशन सबट्रैक्शन भी परफॉर्म कराना तो डायरेक्टली भी तो परफॉर्म कराना पॉसिबल है, सेपरेटली फंक्शंस क्रिएट करने की जरूरत क्या थी। या मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आप एडिशन या सबट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म करा, मीन्स रियल केस में आप काफ़ी लेंदी फंक्शंस यूज करोगे, लेंदी ऑपरेशंस। अगर लेंदी ऑपरेशन बार बार रीराइट करोगे देन काफ़ी हेडिक रहेगा आपके लिए, इसलिए बेस्ट केस क्या, पहले सबसे पहले ऑपरेशन सेपरेट फंक्शन में पुट डाउन करो देन रिक्वायर्ड प्लेस पर फंक्शंस को कॉल कराएंगे। एज्यूम कर लो इस केस में एडिशन सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस के अंदर अगर 10-10 लाइन का कोड अवेलेबल है, 20 या 100 लाइन का कोड अवेलेबल है, तो आपके लिए बार बार रीराइट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यूज क्या करेंगे दैट थिंग्स और दैट अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन के अकॉर्डिंग एडिशन परफॉर्म कराना है, एडिशन के लिए इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, 2 इनपुट्स, इसलिए सबसे पहले रीड क्या करेंगे, 2 इनपुट्स। मीन्स केस वन के अंदर फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, पुट्स एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर, दिस इज अ कॉमन ऑपरेशन फॉर ऑल केस। देन टू नंबर्स को रीड करेंगे यूजिंग स्कैन ऐप। टू नंबर्स को रीड करने के लिए ऑलरेडी मेन फंक्शंस के अंदर टू वेरिएबल डिफाइन किए थे, इनपुट वेरिएबल एस एक्स वाई। नंबर्स को रीड करने के बाद आसान किस्म करा लेंगे, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। देन फाइनली केस वन में आपको ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराना है, एडिशन, तो एडिशन के लिए कॉल क्या करें, एड प्लस इसका जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट किस में साइन करा लेंगे, सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड एज रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल्स टू एड, सप्लाई क्या करें इस केस में रिक्वायर्ड इनपुट्स एक्स और वाई। देन फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले करा लेंगे प्रिंट टैब रिजल्ट परसेंट डी या स्लैश एन यूज कर सकते हो आप, देन रिजल्ट डिस्प्लेइंग रिजल्ट। फाइनली मीन्स जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इस केस में रिजल्ट क्रिएट होने वाला रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका, देन केस वन को टर्मिनेट करने के लिए अप्लाई क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, अदरवाइज रिमेनिंग सारे केस कब तक एग्जीक्यूट होंगे, एंड ऑफ बॉडी, देन वी आर स्टॉपिंग दिस स्विच केस यूजिंग ब्रेक। इस ब्रेक से टर्मिनेशन किसका होगा, स्विच का, क्योंकि अप्लाई कहाँ किया है, स्विच के अंदर, इससे कभी लूप अफेक्ट नहीं हुआ। देन सिमिलरली प्रोवाइड क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, केस टू, केस थ्री, केस फोर। केस टू के अंदर सेम ऑपरेशन रिपीट होंगे, केस टू में परफॉर्म किया एडिशन के प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन, सेम है केस थ्री केस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लाइक दैट। मैं इसी केस में चेंज कर रहा हूँ, केस वन आप कॉपी कर लोगे देन केस वन के प्लेस पर, इसके जस्ट बाद या स्पेस अवेलेबल है इसलिए इम्प्लीमेंट क्या करेंगे केस टू केस थ्री, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आपको इसके जस्ट नीचे राइट डाउन करना है। देन नेक्स्ट केस इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, केस टू, अगेन एंटर टू नंबर प्लस एडिशन के प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, फंक्शन नेम इज सबट्रैक्शन, बाकी दोनों में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, सेम नंबर ऑफ इनपुट्स, देन डिस्प्ले क्या कराएंगे रिजल्ट, अगेन रिक्वायर्ड क्या हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट। देन केस टू फिनिश होने के बाद देन सिमिलरली इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, केस थ्री, मीन्स आपको सारे केस वन बाई वन इम्प्लीमेंट करना विद इन द बॉडी ऑफ स्विच केस। नेक्स्ट वन केस थ्री में चेंजेस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर कॉल कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन फंक्शंस MUL। फाइनली सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट परफॉर्म होने के बाद देन फाइनल फोर्थ केस क्या है, केस फोर, मल्टीप्लीकेशन की जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराएंगे, डिवीजन। देन ये सारे केस इंप्लीमेंट करने के बाद जस्ट मैं साइड में आगे राइट डाउन कर रहा हूँ, इसी केस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वन आगे परफॉर्म क्या कराना, मैं सपोज ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, केस वन, केस टू, केस फोर, नेक्स्ट वन केस फाइव। केस फाइव के केस में कॉल क्या करेंगे, एग्जिट फंक्शन, कोई भी पॉजिटिव नंबर सप्लाई करना पॉसिबल है एग्जिट के अंदर, बिकॉज इट विल टेक्स सिंगल इंटीजर आर्गुमेंट। फिफ्थ केस क्या था, एग्जिट, इससे स्विच केस एग्जिट हो जाएगा, देन टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ स्विच, इससे टर्मिनेट क्या हो रहा है, स्विच। देन नेक्स्ट केस टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ लूप, टर्मिनेट क्या हो रहा है, लूप। वन मोर थिंग्स, लूप के टर्मिनेट होने से जस्ट पहले स्विच का इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होने बाद लूप के बिगिनिंग में कॉल किया सी आर एस सी आर, सिमिलरली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज क्या करेंगे, गेट सी एच आफ्टर बॉडी ऑफ स्विच देन टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ लूप, लूप का बॉडी टर्मिनेट होने के बाद फाइनली टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ मैन, इस द ऑल अबाउट दैट फंक्शंस। यानी यहाँ पर बिगिनिंग थ्री केस आपको राइट करना है, केस वन, केस टू, केस थ्री।
क्लियर। स्टार्ट से परफॉर्म क्या होगा, मिस करेंटली, जैसे इस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कोई भी ऑपरेशन आपके लिए चॉइस के बेस पर परफॉर्म करना पॉसिबल है, इज द वन थिंग। नेक्स्ट वन, बेस्ट केस क्या रहा है इस केस में, प्रॉब्लम क्या करंट अप्रोच में अगर देखा जाए तो, अगर आपको सेम ऑपरेशन 10 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है, देन सेम फंक्शंस आपको बार बार क्रिएट करनी नीड होगी। बार बार क्रिएट न करके अदर अप्रोच क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे इस प्लेस पर, समथिंग फाइल नेम ऑपरेशन डॉट सी, दिस कोड, दिस ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इनसाइड ऑपरेशन डॉट सी, इनसाइड ऑपरेशन डॉट सी। अब सेम ऑपरेशन किसी भी प्रोग्राम में यूज करना है, या मैं मेन फंक्शन सेपरेट प्रोग्राम में क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग सेपरेट फाइल कॉल्ड एज टेस्ट और टेस्ट वन डॉट सी, दिस इज माई एन ऑर द सोर्स फाइल्स। इस दोनों फाइल्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन के डिक्लेरेशन और डेफिनेशन किस फाइल में, टेस्ट ऑपरेशन डॉट सी में, लेकिन इसको यूज कहाँ कर रहा है, टेस्ट डॉट सी के अंदर। तो इस केस में यूज क्या कर रहे हैं, सिंपली जब भी आपको रेडीमेड मीन पर्टिकुलर फंक्शन रिक्वायर्ड होंगे, एट दैट टाइम राइट डाउन क्या करें, हैस इंक्लूड, इंक्लूडिंग कंटेंट्स ऑफ द ऑपरेशन डॉट सी इन साइड टेस्ट डॉट सी बाई यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव, हैस इंक्लूड। इस केस में एंगुलर ब्रैकेट के प्लेस पर यूज क्या करें, डबल कोट्स, रीजन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन डॉट सी। देन इसे फाइल आपका सेपरेट है और मेन फंक्शन सेपरेट है, क्लियर। नेक्स्ट प्रोग्राम से इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम प्रोवाइड करूँगा, उसके इसमें ओनली प्रोवाइड क्या करूँगा मैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन और लॉजिक ऑफ द फंक्शंस। देन रिमेनिंग सभी प्रोग्राम्स के केस में आपको मेन फंक्शन खुद से प्रिपेयर करना है बाई यूजिंग और फॉलोइंग दैट फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। जब मैं फैक्टोरियल यूज करूँगा तो यहाँ केस वन में क्या कॉल करा लोगे, फैक्ट, केस टू में एनपीआर, केस थ्री में एनसीआर, देन वन बाई वन सारे के सारे केस इंप्लीमेंट करेंगे। अगर थ्री फंक्शन है देन टोटल केस कितने इंप्लीमेंट करोगे, अप्रॉक्सिमेटली थ्री केसेस लाइक दैट। इस टाइप से आपके लिए रिमेनिंग फॉर्मेट फॉलो करना पॉसिबल है।